पिट पॉइंट ये होता है 4:1। पेशेंट के दोनों हाथों पर हम एक साथ देते हैं। किसी को कितने भी दिनों से चक्कर आते हैं, किसी भी कारण से चक्कर आते हैं, पेशेंट चक्कर से गिर जाता है, सर्वाइकल के कारण से चक्कर हो सकते हैं, माइग्रेन के कारण से चक्कर हो सकते हैं, यानी कि किसी भी कारण से अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो चक्कर को इमिडिएटली बंद करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। करने का तरीका देखेंगे, जैसे मैंने बताया 4:1, दोनों पैरों को कोहनियों के पास इस प्रकार से क्रॉस कर रखना है, काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हुआ वन पिट। ज्यादातर देखा जाता है कि हमें फोर पिट देना होता है। कोहनी के पास से हमें शुरू करना है, यानी कि दोनों कोहनियों पर हमें अपने दोनों पैरों को रखना है, फिर कंधे के पास हमें पैरों को रखना है। ऐसा अगर हम चार बार करते हैं तो इसे हम एक पिट काउंट करते हैं, और ऐसा अगर हम 16 पॉइंट में करें तो उसे हम फोर पिट कहते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि हमें फोर पिट देना होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये होता है 4:1।